नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं किरण जुनेजा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर वही शो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है और जिसका नाम है कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, हमारी फिल्मों में कोई हीरो बन के नाम कमाता है तो कोई हीरोइन बन के नाम कमाता है, लेकिन हमारी आज की मेहमान ने अपनी जगह बनाई है अपने शानदार डांसेस से। 70s और 80s में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें इनका डांस ना हो। आखिर कौन है ये? आइए डालते हैं इनके काम पर एक नजर। दोस्तों, कोशिश से कामयाबी तक के हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान हैं अपने समय की जानी मानी वैम्प और डांसर जयश्री टी। बचपन में डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाली इस अभिनेत्री के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से, जिसमें इन्होंने हीरोइन अमिता के बचपन की भूमिका निभाई थी। छोटी छोटी फिल्मों में डांस करने के बाद इन्हें आत्माराम जी की फिल्म चंदा और बिजली में एक सोलो डांस मिला, जिसे देखकर आत्माराम जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस लड़की के पोस्टर अलग से लगवाए, क्योंकि फिल्म की शूटिंग और पब्लिसिटी के बाद ये गीत शूट किया गया था। बस इसके बाद तो इस हीरोइन के आगे डांस नंबर्स की बाढ़ आ गई और फिल्मों में वैम्प के रोल भी मिलने लगे। 70 और 80 के दशक में इनका वो दौर था कि तकरीबन हर दूसरी फिल्म में इनका डांस नंबर होता था। लगभग 500 हिंदी फिल्मों और 200 के करीब रीजनल फिल्मों में डांस किया और हजारों स्टेज शोज भी किए। आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और अमिताभ बच्चन के स्टेज शोज का अटूट हिस्सा बन गई थी। आज 45 साल बाद भी ये टीवी पर पूरी तरह से सक्रिय है और एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। तो आइए स्वागत करते हैं कमाल की डांसर और अदाकारा जयश्री टी का। तो ये थी जयश्री टी जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बार आपसे बातें की हैं, बहुत जगहों पे आप मिली हूँ जी, लेकिन आज यहाँ आपसे बातें करने का मजा कुछ और ही होगा। आइए बैठिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपके फादर को थिएटर का बहुत शौक था और वो प्लेज करते थे, और आपकी मम्मी भी म्यूजिक सीखती थी और उनको डांसिंग और म्यूजिक का शौक था, तो कुछ बचपन के बारे में बताइए। एक्चुअली ये हुआ कि मेरे ये फादर जो थे ना, वो शौक के खातिर काम करते थे स्टेज पे एज एन एक्टर, और मम्मी के भाई भी थे ना, वो भी एक्टर थे स्टेज पे, तो उन्होंने घर पे शौक के खातिर डांस, गाना, हारमोनियम, दिलरुबा ये सब बजाना सीखा। तो जब मैं छोटी थी 3-4 साल की, तो उन्होंने देखा कि मैं डांस करना शुरू कर दिया। जैसे उन दिनों गाने बजते थे, राधा ना भोले ना भोले ना भोले रे, तो मैं उसमें डांस किया। उसने तो उन्होंने बोला इसमें कुछ बात है। फिर गुरु आते थे सिखाने के लिए, केशरी पांचाल, उन्होंने मुझे कथक सिखाया। और फिर पहली बार मैंने एक शो किया जब मैं 5 साल की हुई थी, स्टेज शो किया, और मुझे आज भी याद है वो जो मैंने स्टेज शो पहली बार किया और मुझे वंस मोर मिला। तो इतना अच्छा लगा, एक छोटी बच्ची डांस कर रही है, लोगों ने वाह 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 की। मतलब एक कवाल थे, मुझे मालूम नहीं कौन है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने आके ऐसे पैसे मेरे से ऐसे ही करके ना फेंके और बोले वंस मोर, नहीं 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 बेबी तुम फिर से नहीं डांस करोगी, नज़र लग जाएगी ऐसे। और उस शो के मुझे 3 रुपये मिले थे उस ज़माने में, लेकिन उस 3 रुपये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1 रुपये का 1 किलो चावल आता था। हाँ। और दूसरी बात ये है कि बचपन में मेरे और अभी तक मेरे डैडी मम्मी जो थे ना, वो साईं बाबा के भगत थे, तो हम आज भी जाते शिरडी। तो एक आदमी है जिसका नाम रामदास है, उसने कहा आपकी बेटी का मैंने डांस देखा है, वो पिक्चर में काम करेगी। तो मेरे डैडी बोले पिक्चर में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो स्टेज एक्टर हैं। मैंने एक पिक्चर बन रही गूंज उठी शहनाई,
विजय भट्ट जी की, वो प्रकाश शुरू हुआ करता था, तो आप इनको लेके जाइए। मम्मी लेके गई तो विजय भट्ट जी बैठे थे सामने, तो उन्होंने बोला हाँ ये लड़की अच्छी है, इसको हम अनीता गोवा का बचपना था उसमें, हाँ। राजेश कुमार अमिता अनीता गोवा, हाँ, बचपन का रोल किया आपने, तो वो पिक्चर मिली। लेकिन एक बात ये है कि वो रामदास हमें आज तक नहीं मिला उसके बाद, मतलब आज तक ना उसने पूछा कि चलो आपकी बेटी को काम मिला। जब मैं जयश्रुति बनी, हाँ। तो मेरे डैडी मम्मी का कहना है वो साई बाबा थे, हाँ। वो आके हमको बताए कि दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, और फिर गायब हो गए। फिर गायब हो गए। अच्छा ये बताइए कि आपने कथक सीखा क्लासिकल में या भरतनाट्यम? कथक। कथक। और कौन सिखाता था आपको? पहले तो मैं केशरी पांचाल से सीखी, लेकिन जब मैं जयश्रुति बनी और एक पिक्चर कर रही थी तो अपना गोपी किशन जी उस पिक्चर के डांस डायरेक्टर थे, तो जब उन्होंने मेरा डांस देखा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कथक सिखाऊंगा, तुम आ जाओ। और उनके क्लास में दूसरे गुरु होते थे जो सिखाते थे, लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझे सिखाया, और यहाँ तक कि उनके साथ मैंने स्टेज शो किया, साथ में दोनों ने एक साथ डांस किया स्टेज पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा लेकिन हमें तो ये पता चला है कि एक्चुअली आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आप फिल्म लाइन में आना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली क्या है, मुझे डॉक्टर बनना था। मैं आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, आई टू स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, मॉनिटर, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ये सब सेंट अलोशियस माहिम में हम लोग पढ़ते थे। तो हुआ यूँ कि एक हरमन बेंजामिन डांस मास्टर थे, तो उनके साथ मैंने एज ए असिस्टेंट डांस डायरेक्टर, जो मतलब मैं पे कंपोज करो, मैं हीरोइन को दिखाऊँ डांस, उस वक्त भी ऐसा हुआ था। मधुबाला जी की बहन एक पिक्चर में हीरोइन थी, हाँ। और मैं असिस्टेंट, मैं उनको दिखा रही, तो कह रही थी ये बेबी डांस करी, वैसा मैं कर नहीं पा रही। तो हरमन बेंजामिन ने पता नहीं मेरे डैडी को क्या बोला, वो आए स्कूल में और कुछ टीचर से कहा, मैं स्कूल बैग लेके ही पहुँच गई स्टूडियो डैडी के साथ। तो उन्होंने कहा, देखा अमित बोस करके डायरेक्टर थे, एक पिक्चर बन रही थी अभिलाषा, उसमें उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो अभी अभी स्कूल पास करके कॉलेज में गए, कैंप फेयर कराना था, और उसकी हीरोइन थी नंदा जी, फिल्म स्टार नंदा, और संजय खान जी हीरो थे। तो संजय खान गाते नंदा के लिए डांस करते मेरे साथ, ऐसा वो सिचुएशन था। और हमने वो डांस किया, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरी निजी जिंदगी की शुरुआत भी इन्हीं के घर से होने वाली। अच्छा। क्योंकि आई गॉट मैरिड टू नंदा जी ब्रदर जयप्रकाश कर्नाड। और उस वक्त आप, लेकिन उस वक्त आप उनसे मिली नहीं थी, जैसे नहीं मिली थी? नहीं, उस वक्त नहीं मिली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरी सिस्टर मीनाटी के साथ जयप्रकाश जी ने एक पिक्चर की, ही वॉज असिस्टेंट फर्स्ट टू थ्री फिल्म्स आई वर्क विद हिम व्हेन ही वॉज असिस्टेंट। तो उनका आना जाना था हमारे घर में, हेलो हेलो, बस इतना ही था। तो उनके साथ जो मतलब मैंने काम किया, बाद में हमारा अरेंज मैरिज है। अच्छा, हाँ। अच्छा, लोगों को लगता है कि आपका लव मैरिज है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में में आपने उनके साथ की शादी के बाद भी की। हाँ, लेकिन मतलब ऐसा हमारा लव मैरिज नहीं है, हालांकि मीना के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, उनके साथ जब काम किया उन्होंने, तो घर में जैसे हमारे यहाँ गणपति होती है, दिवाली, तो जयप्रकाश जी आते थे घर पे, तो लेकिन मीना के साथ बातचीत करते थे, मेरे साथ तो हेलो हेलो ही था। अच्छा। एक्चुअली हुआ, शादी ऐसी हुई हमारी कि हमारे गुरु थे, जहाँ मैं भी जाती थी मिलने उनसे, वो भी जाते थे, तो उन्होंने एक दिन गुरु ने कहा कि आप लोग शादी कर लो। बोले हम दोनों? बोले हाँ कर लो शादी। तो वो गए अपने घर, नंदा जी और मेरी सास जी से उन्होंने बात की, मैं अपने घर गई, तो दोनों फैमिली एक दूसरे को जानती थी, क्योंकि मैंने नंदा जी के साथ बाद में 5-6 पिक्चर की, तो हमेशा सेट पे मिलना वरना। बोले नहीं, अच्छी लड़की कर लो। मेरी मम्मी ने कहा अच्छे खानदान का लड़का है, अच्छा लड़का है, कर लो। तो फिर हम लोग आए, शाम को एंगेजमेंट हुए, 5 महीने के बाद शादी हो गई। लेकिन आपने ये बताइए कि बचपन में एक बार फिर वापस जाते हैं, तो आपकी पहली फिल्म के बाद गुंजुटी शहनाई के बाद, फिर और भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम किया? हाँ, उसके बाद मैंने एक और पिक्चर की, उसमें भी अनीता गोवा, संगीत सम्राट तानसेन, उसमें अनीता गोवा, भारत भूषण जीते, अनीता गोवा का बचपना था। उसके बाद मैंने प्यार की प्यास की, और प्यार की प्यास में 3 डांस थे, मतलब हम 3-3 लड़कियाँ थी, 3 डांस थे, एक भरतनाट्यम था, एक गुजराती, तो उसमें मैं वो ढोलक बजाने वाली बनी थी, और एक लावणी, तो उसमें 3 डांस हमने किए। उसके बाद एक और की, ज़मीन के तारे, लेकिन मैंने फिर अपना स्टडीज़ कंटिन्यू रखी, क्योंकि आई वॉज गुड इन स्टडीज, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो साथ में क्या हुआ, हरमन बेंजामिन ने एक दिन उनको एक, उनकी वाइफ कहीं बिजी थी, वो असिस्टेंट थी, तो मैंने नहीं अच्छी लड़की होनी चाहिए डांस करने के लिए, तो मुझे बुलाया, मैंने उनके साथ एज ए असिस्टेंट डांस किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि लड़की अच्छी है तो इसको ब्रेक देना चाहिए, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दैट्स ऑफ
मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो गया। चंदा और बिजली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ब्रेक रही, उसके बारे में कुछ बताइए। हुआ यूँ कि चंदा और बिजली के पहले मैंने 3-4 पिक्चरें की थी, जुगल किशोर और मराठी की भी पिक्चर की थी। तो किसी ने आत्मा जी से कहा कि एक नई लड़की आई है और अच्छी डांसर है, आप उसकी पिक्चर लगी जाके देख लीजिए। तो उन्होंने जाके देखी पिक्चर, उनको मेरा डांस अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया सेट पे उनके स्टूडियो में नटराज में, और उन्होंने कहा देखो भाई हमारी पिक्चर पूरी कंप्लीट है, तो हम तुमको ले रहे, एक डांस है और ना तुम्हारा इसमें नाम आएगा, ना कहीं बैनर पे नाम होगा, ना कुछ होगा। अब मैं नई लड़की, इतनी बड़ी गुरुदत्त फिल्म्स की मिल रही मुझे पिक्चर, तो मैं थोड़ी छोड़ूंगी। तो मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं। तो उन दिन वो जो गाना था, मेरे अंग का रंग है अंगूरी तौबा, तो वो सेट कैसा था, रोटेटिंग था, और पीछे जो टैंक्स थे ना उसमें फिश की जगह लड़कियाँ तैर रही थी, ऐसा था। तो पहले दिन जब शूटिंग हुई वो टैंक टूट गई, गॉड, पानी सारा पानी पे, हाँ सेट पे। मैं बोली अब तो मैं गई, अब तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें वहाँ जो दूसरे जो 5 पांडव प्रोड्यूसर थे नटराज में, बोले क्या तुम ये नई लड़की ले, नेचुरली हेलन जी टॉप की डांस, उसको लेके बनाओ। मैं बोले अब तो मैं गई, अभी तो मुझे बुलाएंगे नहीं वापस। लेकिन नहीं, एक महीने के बाद फिर से इरेक्ट किया और मुझे बुलाया, और वो डांस इतना अच्छा लगा डिस्ट्रीब्यूटर और इनको, तो उनके डिमांड पे मेरे सेपरेट बैनर लगाए गए और मेरा नाम भी आएगा। दैट्स वंडरफुल। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेक रही, उसके बाद तो बहुत फिल्मों में आपको गाने मिले होंगे। हाँ, उसके बाद बहुत पिक्चर में गाने भी मिले, और कुछ गाने ऐसे मिले कि जो मैं नहीं कर पाई, पता है क्यों? ये ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जयश्री टी से। तो जयश्री जी बताइए, आप बता रही थी कि बहुत सारे गाने उसके बाद आपको मिले जिन पे भी आपने परफॉर्म किया, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे हीरोइन बनना चाहिए, क्योंकि आप खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं, कमाल की डांसर हैं, और एक हीरोइन के लिए अच्छी डांसर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ? ऐसा फील नहीं हुआ इसलिए क्योंकि मेरे डांस के वजह से मुझे जो शोहरत मिलती गई ना, तो उसमें मैं बहुत खुश थी। क्योंकि कभी कभी हम लोग जहाँ शो के लिए जाते थे या कहीं जाते थे ना, तो कहीं लोग हीरोइंस को नहीं पहचानते थे, मुझे पहचानते थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने कहा अगर इनको नहीं पहचानते मुझे पहचानते, तो जो मुझे मिला है तो मुझे बहुत बढ़िया बात मिली है, इसलिए मैं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैंने हिंदी एक दो पिक्चरें की है, मतलब छोटे बजट की, जिसमें मैं हीरोइन। उनके बारे में बताइए। जैसे रविंद्र महाजन उसके हीरो थे, फिर एक धर्म जी के एक छोटे भाई थे, उनके साथ किए, तो मैंने किए। वैसे बाकी जो लैंग्वेजेस में मैंने किए उसमें एज ए हीरोइन ही काम किया है मैंने, डांसेस तो किए, लेकिन उसमें मैं टॉप हीरोइन रह चुकी, जैसे गुजराती है, भोजपुरी है, तो मैंने 18 लैंग्वेजेस किए और 700 फिल्म्स किए, तो कई लैंग्वेजेस में एज ए हीरोइन मैंने काम किया है। लेकिन ये जो डांसर एज ए डांसर, क्योंकि आता है उन दिनों ना, हीरो हीरो का काम करता था, हीरोइन हीरोइन का काम करती थी, कॉमेडियन अलग होता है, वैम्प एक दूसरे का काम नहीं होता था, नहीं होता था, आज तो सब सब एक ही में है। तो डांसर का एक स्टेटस था। आज तो खैर हीरोइंस ही डांस कर लेते हैं, और वैसे अब तो डांसेस ऑलमोस्ट फिल्मों से जा ही रहे हैं, बैकग्राउंड सिंगिंग ही हो जाती है आजकल। तो इसके लिए वो जो मुझे एक रुतबा मिला था, एक कुछ ये मिला था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा ये बताइए, एक श्रीदेवी की फिल्म में आपने डांस किया था, हाँ। वो किस्सा मुझे बताइए। हाँ, वो यूँ हुआ कि अभी मैं एक पिक्चर उनकी हिंदी में थी, मेरी बीवी का जवाब, तो मैं, मेरा उनके साथ सीन था, मैं पान की दुकान है पान, और वो आती गांव में नहीं आई है और मुझसे बात करी, ये क्या है वो क्या। तो जब हम शॉट दे रहे थे, उससे पहले वो एक गाना गाने लगी तमिल का, तो मैंने, वो मेरा गाना था जो मैंने किया था स्क्रीन पे, तो मैंने उससे पूछा ये तुमको कैसे आता, ये हाउ यू नो। बोले ये जो तुमने डांस किया था, वो मैंने स्नेक डांस किया था हिरल मछली जो तमिल पिक्चर में, आई वॉज ऑन द सेट, मैं सेट पे थी, मैं हीरोइन थी उस पिक्चर की, तो वो हिंदी फिल्मों में नहीं आई थी, तो वो मुझे जानती थी, मैं उसे नहीं जानती। तो
बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले मैं नहीं थी उस वक्त और मुझे, मैं जयश्री को जानती थी, ये एक अच्छा बड़ा किस्सा था, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं वहाँ जाती थी शूटिंग के लिए तो वहाँ मुझे कमल हसन जी भी मिले थे और उन्होंने कहा था आई एम योर फैन, यू आर अ गुड डांसर एंड ऑल दैट। तो मतलब इनसे एक, वो लोग खुद इतने अच्छे डांसर है, उनसे ये कॉम्प्लीमेंट मिलना मतलब बहुत बड़ी बहुत बड़ी। मैंने सुना है कि कसम भवानी में आपको किडनैप किया जा रहा था, हीरोइन को नहीं, तो ये क्या किस्सा था? ये मैं कहती हूँ आपको, हीरोइन से मेरे को अच्छा लगता है तो डांसर। एक्चुअली क्या हुआ, हम ग्वालियर शूटिंग के लिए गए थे एक पिक्चर की, वही कसम भवानी की, और मेरा नाइट शूट था। तो ऐसा सीक्वेंस था कि ढाबा है, ढाबे पे हीरो बैठा है और मैं डांस कर, ऐसा था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं लंच कर रही थी, इतने में देखा कि DIG DSP सबकी गाड़ियाँ आ रही। ओ, मैं खाना ख़त्म कर आए अंदर और बोले जयश्री जी आप वापस जाइए। मैं बोले क्यों, मेरा नाइट शूट है यहाँ पे। बोले नहीं, यहाँ के डाकुओं को पता चला है आप आने वाले हैं और आपको किडनैप करने का उन्होंने प्लान बनाया है। बोले क्या, मेरे से 10 दिन से योगिता बाली, नाजनीन जैसी खूबसूरत हीरोइंस यहाँ पे काम कर रही, तो उन्हें नहीं किडनैप किया, मुझे क्यों किडनैप? बोले नहीं, आपका क्रेज है। Okay. और वाकई उन्होंने मुझे शाम की फ्लाइट से वापस भेज दिया। और फिर बाद में ये जो गाना हमने फिल्मिस्तान में फिल्म सिटी में किया, शूट किया। हाँ, तो ऐसे कई किस्से हुए हैं। तो आपने शोज भी बहुत किए होंगे एज अ डांसर, आप पूरे वर्ल्ड में घूमी होंगी। मैंने पूरे, और मैंने तो ये भी सुना कि जयश्री नाइट हुआ करता था। हाँ, जयश्री टी नाइट होती थी। जयश्री टी नाइट ऐसे भी हुए, किशोर कुमार एंड जयश्री टी नाइट। वैसे तलत महमूद से लेके भप्पी लेडी तक सबके साथ मैंने शोज किए। और मैंने कुछ चैरिटी शोज भी किए, जैसे सुनील दत्त जी के कैंसर हॉस्पिटल के लिए, फिर बाबा आमटे के लिए, फिर ये ब्लाइंड डफ डैम उनके लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, ऐसे मैंने कई चैरिटी शोज भी किए हैं। और जयश्री टी नाइट्स तो होती रहती है। तो इन शोज में क्या होता क्या था, मतलब किस तरह के शोज? नहीं, इस शो में क्या होता था, सिंगिंग होती थी, डांसिंग होती थी, सिर्फ लता जी को छोड़ के बाकी सबके साथ, आशा भोसले इनके साथ। तो मेरे दो डांस होते थे, एक इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद। तो मैंने क्या किया, अब मैं 40 साल ये मैंने सिलसिला जारी रखा, तो 20 साल मैंने डांसेस किए, फिर मैंने थोड़ी पब्लिक बोर हो जाएगी, कुछ तो करना चाहिए, तो थोड़ा गाना गाना शुरू कर दिया। तो डुएट गाना वगैरह, छुप गए सारे नज़ारे, वो रफ़ी साहब के साथ, फिर मुकेश जी के साथ, महबूब मेरे, वो फिर 10 साल वो चला। फिर मैंने बोला अभी और कुछ करना चाहिए, मैंने मिमिक्री शुरू कर दी। तो एक बार मिमिक्री ऐसी कर ली तो फॉरेन से वहाँ से डिमांड आ गई जयश्री टी को, लो हमको मिमिक्री देखनी। तो अभी हम थोड़ी सी मिमिक्री हम भी देख लें। उस वक्त मैं करती थी, अब कोशिश कर, कोशिश से कामयाबी तक। बिल्कुल बिल्कुल। एक डायलॉग था राखी जी का था, वो डायलॉग, लोग ऐसी जगह ले जाके मारते हैं जहाँ पानी नसीब नहीं होता, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाके मारूंगी जहाँ पानी पानी होगा, मैं तुम्हें पानी पिला पिला कर मारूंगी, पानी पिला पिला कर। अब ये डायलॉग हेमा मालिनी होती तो कैसे, लोग ऐसी जगह ले जाके मारते हैं जहाँ पानी नसीब नहीं होता, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले कर मारूंगी जब पानी पानी होगा, मैं तुम्हें पानी पिला पिला कर मारूंगी, पिला पिला कर मारूंगी। अब यही डायलॉग अगर जीनत अमान होती तो कैसे, लोग ऐसी जगह ले जाके मारते हैं जहाँ पानी नसीब नहीं होता, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाके मारूंगी जहाँ पानी पानी होगा, मैं तुम्हें पानी पिला पिला कर मारूंगी, पानी पिला पिला कर मारूंगी। अब ये कुछ मेल एक्टर्स की भी करती थी कॉपी या सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस? मेल एक्टर की मैं शम्मी कपूर की कॉपी करती थी। जैसे मैं स्टेज पे बकायदा उनका गाना करती थी, जैसे होता ना बार बार हाथ में गिटार लेके, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल बताली हो। वंडरफुल। तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, मिमिक्री करती हैं, डांस करती हैं, सिंगिंग करती हैं। तो एक गाना अब हम आपसे ज़रूर सुनेंगे इससे पहले कि हमारा ब्रेक का टाइम हो जाए। जी, वो छोटा सा एक सुनाती हूँ, खैर उस वक्त तो आवाज़ अच्छी थी, अब एज के हिसाब से पता नहीं। नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है आज आपकी। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, तो ये डुएट गाना मैं नितिन मुखर्जी जी के साथ, ऐसे हम गाते थे स्टेज पे। कल्याण जी आनंद जी के साथ आप काफ़ी समय तक शोज करती थी। हाँ, एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत अच्छा। एक्चुअली ये हुआ कि पहला जो मैंने शो किया, सबसे पहला शो किया फिल्म इंडस्ट्री का, वो कल्याणी आनंद जी भाई के साथ किया। अच्छा। हाँ, और उसमें मुकेश जी थे, तलत महमूद जी थे, रफ़ी साहब थे, और हमने ये पूना में किया था शो, और उस वक्त मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो ये जो मैंने उसमें डांस किया तो इन लोग ने सब देखा, तो उनके शो में भी मुझे बुलाने लगे। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। नॉर्मली कहते हैं कि लव मैरिज होती है तो एक दूसरे को जानते हैं सब, आपकी जो अरेंज मैरिज है वो तो लव मैरिज से भी ज़्यादा जी पैशनेट है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है आप दोनों में। तो ये मैरिज के बाद जो प्यार वाला सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ? जब हमारी शादी हुई ना, तो मैं काम करती थी फिल्मों में, और जयप्रकाश जी खुद फिल्म डायरेक्टर हैं जी, और जिन्होंने टेली फिल्म जो है वो पहली उन्होंने की डायरेक्शन और राइटिंग अपना स्टोरी उन्हीं की थी। बी आर चोपड़ा जी प्रोड्यूसर थे तेरी मेरी कहानी। तो उनको मुझे उनको मालूम था कि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, और मुझे मालूम था ये डायरेक्टर है, और हमारे एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई। तो दोनों जो फैमिलीज थी वो इंडस्ट्री से थी, तो जो मैंने काम चालू रखा। लेकिन जब हमारा बेटा हुआ स्वस्तिक कर्नाटक की, तो 5 साल तक मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा जब तक ये खुद हो के सब करने ही नहीं लगता, मैं करूँगी नहीं काम। लेकिन उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मेरे हस्बैंड ने, 5 साल के बाद, कि तुम में इतना टैलेंट है तो तुम घर बैठ के क्या करो। मैंने हाँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा घर बैठना, अगर आप परमिशन देते हो तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने एक सीरियल बनाई उस वक्त, तो उसमें मुझे एक अच्छा सा रोल दिया, तो वो मैंने किया जयप्रकाश जी के सीरियल में, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। तो उसके बाद मुझे पिक्चरें मिलती गई, डांसेस भी मिलते गए, रोल्स भी मिलते गए, तो मैं करती गई। तो आज तक हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। और फिर हमारी शादी को 27 साल हो गए हैं, और ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी केयरिंग, और जयप्रकाश जी बहुत समझदार है। जैसे मैं लेट आती हूँ कभी, दो दो तीन तीन शिफ्ट होते, तो वो समझ सकते हैं कि ये शूटिंग कर रही है, तो ये हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा। एक 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 फेथ फेथ है इस लाइन में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइन में टाइम नहीं होता, ट्रैवल बहुत होता है, आउट स्टेशन का काम होता है। और हमारा बच्चा भी, मेरा बेटा है स्वस्तिक, वो भी अभी इसी लाइन में आ गया, वो भी डायरेक्शन लाइन में आ गया है। उसने प्रेम रतन धन पायो की, फिर श्रेयस तलपदे, वो मेरे कज़न का लड़का है श्रेयस तलपदे, उसके साथ पोस्टर बॉयज़ की, और अब महेश बच्ची के साथ वो कर रहा है, उनकी पिक्चर कर रहा है। तो मतलब सब फादर के जीन्स आए हैं, क्योंकि हाँ, उस तरफ से उनके फादर और उनके फादर सब उनके फादर मास्टर विनायक जिन्होंने लता मंगेशकर को, या और फिर अपने उनके चाचा वी शांताराम, तो वो बच्चे में वहाँ के जीन आ गए। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जयश्री टी से। कोशिश से कामयाबी तक, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हमारी मेहमान है जयश्री टी। तो जयश्री जी, आपके टाइम में तो बहुत सारी डांसर्स थी, जैसे आपने कहा हेलेन भी थी, कुकू थी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इनमें से कोई ऐसी डांसर है जिनके साथ आप परफॉर्म करना पसंद नहीं करेंगी स्क्रीन पे या स्टेज पे, कोई ऐसा कभी फील हुआ? उल्टा था। हाँ। क्या था बताइए? मतलब खैर, हेलेन जी के साथ तो मैंने 3-4 पिक्चरें की हैं, और हेलेन जी वॉज वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि एक बार उनको पूछा था आपके बाद कौन, तो उन्होंने कहा था मेरे बाद जयश्री टी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहीं डांसर्स के साथ मैंने जब डुएट डांस किए और ऐसा रिएक्शन मिला कि जयश्री टी ने बेटर किया है, तो जब दोबारा उनके साथ करने का मौका आया तो उन्होंने मुझे कट कर दिया, मैं तो नहीं थी, मुझे कट कर दिया। और मतलब एक बार तो मेरे कॉस्ट्यूम घर पे आया था, नेक्स्ट डे दादा आके बोलते वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कॉस्ट्यूम वापस दे दीजिए, बाद में है आपकी शूटिंग। बाद में मुझे पता चला डांसर ने मुझे कट करके किसी और के साथ वो डांस किया, तो यकीन कीजिए मैं जाके बाथरूम में रोने लगी। और मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, अच्छा रहेगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जैसे कई मास्टर जी होते थे ना, ये क्या रे, अपने आप को सोलो डांसर समझती है, ऐसा भी बोलते थे, तो मैं बोला एक दिन मैं इसे सोलो डांस कर बन के दिखाऊंगी, तो एक ज़िद आ गई। इसलिए फिर मैंने बहुत मेहनत करना शुरू किया। मेरा एक खासियत थी कि एक बार देखे ना तो मैं पिकअप कर लेती थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि चलो ये डांस कर रही है तो अच्छा है, मतलब हमारा पैसा भी बच जाता है, टाइम भी, वक्त बच जाता है।
तो इस तरह से मैंने मेहनत करना शुरू कर दी कि जिसके वजह से फिर आगे मैं बढ़ती गई और मुझे डांस मिलते गए, और जिन्होंने मुझे कट किया बाद में उन्हीं के साथ मुझे डांस करने को मिला, लेकिन मैंने उन्हें कट नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपके टाइम की जो हीरोइंस थी उसमें से बेस्ट डांसर आपके मुताबिक कौन थी? वैसे तो काफ़ी डांसर अच्छी है, लेकिन मतलब मुझे माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती है, श्रीदेवी बहुत ग्रेसफुल डांसर थी। नहीं आप अपने ज़माने की बात कीजिए। मेरे ज़माने में और कौन, ये वैजयंतीमाला, वैजयंतीमाला वॉज अ वेरी ग्रेसफुल डांसर, वेरी ग्रेस। आप ये कौन सी अम्रपाली का उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना था, लेकिन आपका डांस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं वल्गैरिटी नहीं, कहीं चीपनेस नहीं, एकदम ग्रेसफुल डांसर थी। जैसे आशा भोसले जी का मैंने एक रेडियो प्रोग्राम सुना था, उन्होंने कहा था, उनको पूछा गया कि आजकल इतने रिवीलिंग कपड़े पहनते, पहले की डांसर थी आज के, आपको क्या फ़र्क लगता है? बोले रिवीलिंग कपड़े तो पहले से पहनते डांसर, तो हम लोग स्किन कलर पहनते थे तो, लेकिन उन्होंने कहा था हेलन जी जयसी जी जब वो डांस करती थी तो इट वॉज़ वेरी ग्रेसफुल, उसमें कहीं वल्गैरिटी नहीं, तो इट वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम आशा भोसले टू अस। तो इस तरह के मतलब उन दिनों भी बहुत अच्छी डांसर थी, आज भी बहुत अच्छे डांसर्स है। और मुझे एक मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, मुझे करिश्मा कपूर का डांस बहुत पसंद है, हालांकि उसको डांसर के इसमें नहीं गिना जाता, बट शी इज़ वेरी फाइन डांसर। गोपी कृष्ण जी ने भी आपकी बहुत तारीफ की थी जी। तो क्या कहा था उन्होंने आपके बारे में? हाँ, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में इतनी डांसर्स है तो उसमें से कौन अच्छा लगता, तो उन्हें चार पांच नाम लिए थे, जैसे वैजयंतीमाला, पद्मिनी, रागिनी, तो उसमें मेरा नाम लिया था उन्होंने कि उन्हें जयश्रुति जी है वो बहुत अच्छी डांसर है। और यूँ हुआ कि जब मैं उनके एक पिक्चर की थी तो उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ, और उन्होंने मुझे कथक भी सिखाया था, और उनके साथ स्टेज शो भी मैंने किए थे, तो उन्होंने ये चार पांच लोगों मेरा डांस या इट्स क्रेडिटेबल टू मी। तो गोपी जी भी बहुत अच्छे डांसर थे, वो तो सारी दुनिया जानती है, वो अ कथक डांसर। यस यस। वैसे तो आपकी फैमिली में तीन बहनें आप हैं और एक भाई है, लेकिन एक ही हैं जो आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री में आई, मीना टी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। बड़ी है मीना टी, फिर मैं जयश्री टी, फिर छाया, और फिर मेरा भाई संदीप। तो मीना टी ने भी जब मैंने शुरुआत की थी ना बचपन में, उसने भी शुरुआत की थी बचपन में, मतलब गुंजू डेसाई में उसने सिस्टर फ्रेंड का रोल किया था मेरे, उसके बाद उसने भी पिक्चरें करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और राज पिक्चर जो आई थी जिसमें राजेश खन्ना थे बबीता की पहली, उसमें उसने मेजर रोल किया था, बहन का रोल किया था। फिर हमने साथ में कई डुएट डांस भी किए पिक्चरों में, और कई फिल्मों में ऐसे साथ में काम भी किया है। लेकिन मीना टी का क्या, तो ज़्यादातर सिस्टर सोबर रोल करती थी और आई वॉज ग्लैमरस डांसिंग, लेकिन डांसिंग तो वो भी अच्छी कर लेती थी। हाँ, डांसिंग तो वो भी अच्छा। और एक किस्सा ऐसा भी है कि एक शो में आप नहीं जा पाई और आपने उनको भेज दिया था, वो किस्सा बताइए। वो हुआ यूँ, एक कयामत नाम की पिक्चर थी जिसमें धर्म जी थे साथ में, और मैंने दो दिन दिए थे उसके लिए शूटिंग के लिए, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो एक्सटेंड हो गई, तीसरा दिन भी उनको चाहिए था। और तीसरे दिन मेरा आगरा में शो था, स्टेज शो था, और मुझे वहाँ जाना था, तो अभी मैं जाऊंगी कैसे कि ये तो मैं शूटिंग छोड़ के जा, क्योंकि धर्म जी की डेट थी तो धर्मेंद्र जी की, तो मैं कैसे जाऊंगी? तो मैंने जयश्री टी के बदले मीना टी वहाँ गई, और जयश्री टी बन के उसने डांस करके चली आई, पब्लिक को पता ही नहीं चला। आपकी शक्लें काफ़ी मिलती हैं। हाँ, लोग हमको समझते ट्विंस है, लेकिन ट्विंस नहीं, हमारे दो साल का फर्क है, बड़ी है मुझसे दो साल, ये हुआ। तो मतलब आज तक लोगों को पता नहीं था कि वो देखने किसी को आए थे और आया कोई? हाँ, आया कौन, पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला, एक्सेप्ट कि वहाँ पे कोई कॉमेडियन था, उसने पहचान लिया कि ये मीना टी है, बाकी ना म्यूजिशियन ने ना किसी पब्लिक ने, किसी ने नहीं पहचाना। तो ये तो जड़वा नहीं। और उसके अलावा मैंने इस पिक्चर में भी ऐसा किया, क्योंकि व्हेन मीना वॉज प्रेग्नेंट तो एक पिक्चर उनकी कोई बन रही थी, मनोज जी की थी, पता नहीं कोई पिक्चर थी, तो मीना के बदले मैंने शॉट दिए जाके, ओह माय गॉड, उसकी डबिंग भी मैंने की है, पब्लिक को पता ही नहीं चला। आवाज भी एकदम मिलती है। आवाज भी मिलती है। अच्छा ये बताइए, शोज तो आपने बहुत किए, लेकिन कभी ये सोचा कि इसके अलावा मैं डायरेक्शन में या राइटिंग में या किसी और एरिया में फिल्म लाइन के जाऊं? आपके हस्बैंड तो वैसे डायरेक्टर खुद हैं, लिखते भी होंगे कुछ, तो कभी ऐसा सोचा या उनके साथ आप कभी उनकी मदद करती हैं या आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं? नहीं, डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन मतलब मैं एक ऐसा किस्सा याद है मुझे, हम लोग ये गुलिस्ता हमारा शूटिंग के लिए आसाम गए थे, और वहाँ पे मैं और जॉनी वॉकर हम लोग गाना करने वाले थे, वो मेरा नाम आओ मेरे पास आओ, वो डैनी ने गाया था और आशा जी ने गाया था, तो कमल मास्टर जी जो कोरियोग्राफर थे उनकी फ़्लाइट में से वो पहुँच नहीं पाए,
तो वो डांस मैंने कोरियोग्राफ किया था. ऐसा किया, वैसे एक बंगाली पिक्चर थी, ये तो बड़ा अच्छा किस्सा है. मैं वहाँ गई शूटिंग के लिए और मैं तैयार होके सेट पे आई तो मैंने कहा, हाँ कोरियोग्राफर थे वहाँ पे, तो मैंने कहा हाँ बताइए क्या मूवमेंट करनी है. नहीं हमको बोला तुम करेगा डांस. हाँ डांस मैं करूँ. नहीं नहीं मूवमेंट पे तुम करेगा. मैं बोले है ये कैसे. तो मैं बोले अच्छा रुकिए रुकिए. मैं वो टेप रिकॉर्डर मंगाया मैंने और फिर गाना मैंने सुना, फिर वहाँ बैठ के मैंने शॉर्ट डिवीजन किया. फिर मैं सेट पे आई, मैंने डायरेक्टर को समझाया कि ये डांस मैं बिगनिंग में आप ऐसे टिल्ट अप कीजिए पैर से, फिर मेरा उसमें शर्मिला टैगोर जी हीरोइन थी सेट पे थी, इस तरह वो डांस मैंने कोरियोग्राफ. माय गॉड, तीन चार गाने. तो वो कोरियोग्राफर खाली बैठ के आपको देख रहा था. हाँ, वो देख रहा. आपका फेवरेट कोरियोग्राफर कौन रहा? फेवरेट ऐसा नहीं कह सकते, बहुत सारे थे. मतलब हीरालाल मास्टर जी थे, जैसे हीरालाल मास्टर जी के साथ भी एक किस्सा हुआ है. और पी एल राज बहुत अच्छे डांस डायरेक्टर थे उस ज़माने. पी एल राज, हीरालाल मास्टर, सोनलाल मास्टर, भद्री मास्टर, सत्यनारायण मास्टर जी, कमल मास्टर जी, ऐसे बहुत थे. लेकिन हाँ, मैं ये कह रही थी आपका फेवरेट. फेवरेट मुझे पी एल राज बहुत अच्छा लगता. और हीरालाल जी के साथ ये किस्सा हुआ था कि जब मैं पहली बार उनके साथ डांस कर रही थी तो मैं इनकी अपने देवानंद जी की पिक्चर थी तेरे मेरे सपने. तो मैं मद्रास में किसी और शूटिंग के लिए गई थी तो उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ पे हीरालाल मास्टर जी तुम रिहर्सल वॉक करो, यहाँ आने के बाद हम शूटिंग करेंगे. और डेटे उस हिसाब से एडजस्ट की थी. जब मैं वहाँ गई तो मैंने हीरालाल मास्टर जी से पूछा कि मैं कब आऊँ रिहर्सल के, तो उन्होंने बोला 5 बजे सुबह आ जाओ. मैं गई, फिर 7 की शिफ्ट थी. मैंने किया तो बाद में नेक्स्ट डे बोला तो मैंने कहा बहुत भारी पड़ रहा है मुझे 7 की शिफ्ट में, वहाँ लेट पहुँच रही वासु मेनन की शूटिंग की. तो उन्होंने बोला फिर हम डांस नहीं करेगा. तो मैं डर गई, मैंने फ़ोन करके बोला ये ऐसे बोले, नहीं नहीं बॉम्बे आ जाओ यहाँ रिहर्सल करेंगे हो जाएगा. फिर मैं बॉम्बे आई, हीरालाल मास्टर जी आए, उन्होंने मेरा रिहर्सल की, उन्होंने मुझे देखा डांस अच्छा करती, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया वहाँ साउथ में और वही मुझे लेके गए बाद में. तो जिन लोगों ने सोचा कि ये क्या करेगी. हाँ ये बताइए कि पी एल राज में क्या खासियत थी? पी एल राज में ये खासियत थी कि ऐसे तो सभी परफेक्शनिस्ट होते हैं तो, लेकिन उनका जो स्टाइल था ना डांस करने का वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. और कई बार उन्होंने मेरा नाम भी ऐसे अच्छे अच्छे पिक्चरों में सजेस्ट किया है जहाँ मुझे अच्छे डांस करने का मौका मिला. वेस्टर्न, इंडियन, मतलब जैसे आइटम नंबर्स भी होते थे, कैबरेज भी होते थे, अपना क्या कहते हैं फोक डांसेस भी होते थे, अलग अलग किस्म के डांस करने को मिले मुझे उनके साथ, इसलिए मुझे अच्छा लगा. अच्छा ये बताइए कि हेलन जी जो थी वो अपना बहुत सारा सामान बाहर से मंगवाती थी, उनकी विग्स बाहर से आती थी, मेकअप बाहर से आता था और फर वगैरह जो वो पहनती थी डांसेस के लिए, क्या आपके लिए भी जब आप डांसेस करती थी परफॉर्म करती तो इस तरह का तैयारी की जाती थी? आती थी, कई प्रोड्यूसर्स होते थे उनको चाहिए था ऐसा उस टाइप का गेटअप तो वो मंगाते थे बाहर से. लेकिन मुझे इससे याद आ रहा है कि जब मैं आई नई नई थी तो शशिकला जी ऑलमोस्ट रिटायर हो रही थी, तो मैं एक बार आरके में शूटिंग कर रही थी तो उनका एक मेकअप मैन एक पूरा ब्रीफकेस लेके बैग लेके आया. बोले शशिकला जी ने ये आपके लिए भेजा है. मैंने खोला तो उसमें अलग अलग किस्म के वीक थे. फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुम मेरे जैसे रोल कर रही हो, वैम्प ये भी कर रही हो, कॉमेडी, तुम ये वीक इस्तेमाल करो. ये मैंने एक आध बारी पहने हैं और मैंने उनके वो वीक इस्तेमाल किए. हाउ नाइस, ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी अपनी ही इंडस्ट्री का इस तरह से बिहेव करे. मतलब उन्होंने मुझे अपने उनकी बराबरी की, अपने काबिल इस काबिल समझा कि मैं उनकी चीज़ें यूज़ करूँ. इस बहुत अच्छे किस्से पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक. कोशिश से कामयाबी तक, वेलकम बैक. आज हम बात कर रहे हैं जयश्री टी से. तो जयश्री जी हम बात कर रहे थे, एक बात बताइए आप, आपने कुछ फिल्मों में वैम्प का रोल भी किया है, नेगेटिव रोल किए हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए. एक पिक्चर मुझे याद आ रही है जिसमें मैंने बहू का रोल किया था और वो अपने सास को घर से बाहर निकाल देती है. तो हुआ यूँ, जब हमारी शादी हुई तो मैं और जयप्रकाश जी अहमदाबाद गए थे किसी काम से, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, उसने जयप्रकाश जी को बुलाया, इधर आओ. बोले क्या तूने इससे शादी की? बोले हाँ क्यों? अरे ये तेरी माँ को घर से बाहर निकाल देगी. लोग कितना सच समझ लेते हैं. वो जो इमेज हमारा स्क्रीन पे वो समझते कि असलियत में है ऐसे ही हम रियल लाइफ में. और इसी तरह एक मैं सीरियल कर रही थी दिल से दिया वचन, उसमें मैं महाराष्ट्रन बनी थी, माँ बनी थी,
और उसमें मैं खड़ूस माँ हूँ। तो एक बार यूँ पैकअप के बाद मैं फिल्म सिटी से जा रही थी, तो मुझे कुछ ख़रीदना था, मैं उतर के शॉप में गई, मेडिकल शॉप में कुछ लेने के लिए, तो एक आदमी खड़ा था वहाँ पे। अरे बड़े इस खड़ूस को जाओ बोलो जाके गाड़ी में बैठे, इधर नहीं आए। तो मैं बता रहा हुआ, दैट इज अ प्लस पॉइंट ना, इट्स अ प्लस, इट्स मतलब यू वर एबल टू कन्विंस देम कि आप। ऐसे कई किस्से हुए हमारे साथ। अच्छा, डांस में बॉडी मूवमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फेशियल मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस? दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डांस करोगे ब्लैंक फेस रखोगे तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन साथ साथ ग्रेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मूवमेंट कर एक दो तीन चार, ये तो सभी कर सकते हैं, लेकिन वही आप मूवमेंट एक दो तीन चार पर ना। अच्छा, आपका एक गाना है शर्मीली फिल्म का, रेशमी उजाला है, तो आप तो गाती भी हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ वो दो चार लाइंस। इससे पहले मैं किस्सा सुनाती हूँ। हाँ जरूर जरूर। अब हम जो शूटिंग कर रहे थे पीएल राज जी थे, तो उसमें ऐसा था पुलअप्स थे, उसको पकड़ के मैं यूं करके आगे आती हूँ ऐसा था। तो जब मैं आई तो मैं यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, मसल ट्विस्ट हो गया। हाँ। और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, और शशि जी राखी जी सब सेट पे, मतलब डेटे दी हुई है तो मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, मुझे इंजेक्शन दिया, और फिर वो मैंने गाना कंप्लीट किया है। लेकिन आपको स्क्रीन पे मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं पेन में डांस कर रही हूँ। तो जैसे अभी रेशमी उजाला है मखमली, रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो हो नहीं हो नहीं हो नहीं सवेरा। एक्सप्रेशन आना बहुत जरूरी है। तो मैं कहती रेशमी उजाला है मखमली, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, वो फीलिंग आनी चाहिए। यू गो विद द वर्ड्स एज वेल एज योर मूवमेंट एंड ग्रेस, ये सब कॉम्बिनेशन होता है, तभी तो मिल गया मुझे डांसेस। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी फिल्मों से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, आपने कई फिल्में एज हीरोइन की, और मुझे मालूम है कि 50 साल की जब सेलिब्रेशन हुई तो आपको भी कुछ अवार्ड वगैरह दिया गया। तो उन्होंने कुछ ना 20 आर्टिस्ट सिलेक्ट किए थे, तो उसमें से मैं एक सिलेक्ट थी और मुझे अवार्ड मिला था। वैसे गुजरात में भी ऐसे हुआ था, और मुझे वैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिले हैं, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं, हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट से मिले और भोजपुरी से भी मिले। लेकिन ये बताइए कि भोजपुरी की फर्स्ट फिल्म आपको मिली कैसे? पता नहीं, मेरा डांस देख के मुझे मिली थी, और उन्हें आके घर पे आके उन्होंने बोला आप भोजपुरी बोल सकते? मैंने कहा बोल तो नहीं सकती। तो बोले हम आपको एक डायलॉग बुलवाते, आप बोल दीजिए। तो उन्होंने डायलॉग बोला, पता नहीं अभी डायलॉग का धना वही तो हम कर रहे थे, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोल के दिखा, और मैंने वो टोन पकड़ लिया मेरा। यही था, मैं टोन पकड़ लेती। आप तो मिमिक्री कर लेती हैं तो टोन पकड़ ही लेती होंगी। तमिल तेलुगु मैंने की ना, तो मैं क्या कहती थी जो डायलॉग लेके आता, मैंने उसको बोल तुम एक बार बोलो, जब वो बोलता था ना मैं लहजा पकड़ लेती थी और फिर उस हिसाब से बोलती थी। बोले नहीं आप तो बोल लेंगे। तो फिर वो भोजपुरी, फिर मैंने उन दिनों जो टॉप थे ना, तो वो हीरो थे, सुजीत कुमार थे, फिर कुणाल थे, तो उनके साथ मैंने एज ए हीरोइन काम किया। मैंने सुना कि आपने 18 लैंग्वेजेस में, हाँ, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ मारवाड़ी पंजाबी हरियाणवी सिंधी बंगाली उड़िया असामी गढ़वाली हिंदी मराठी गुजराती भोजपुरी इंग्लिश। ओह गॉड, आपको याद कैसे रही है टीम? तो ये मतलब मैं थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, सब लैंग्वेज नहीं, हिंदी मराठी गुजराती भोजपुरी इंग्लिश, बाकी लैंग्वेजेस में जो मैंने वही डायलॉग याद करके लहजा पकड़ के मैं डायलॉग बोल लेती थी। पर आपकी ओरिजिनल वॉइस रहती थी या फिर वो डब करते थे? मैं डब नहीं करती, मैं खुद ही बोलती थी, नो डबिंग, मैं खुद। बाद में उन्होंने डबिंग नहीं की? नहीं, मैं खुद ही बोलती थी। इतना तो कोशिश करनी चाहिए तो ये कामयाबी मिलेगी ना। आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं हमारे शो के लिए। अच्छा, बहुत सारे सीरियल्स में भी आपने काम किया है, हिंदी के अलावा दूसरे सीरियल्स में भी काम किया है या सिर्फ हिंदी सीरियल्स में? नहीं, हिंदी के अलावा मराठी का मैंने दमदमादम शो किया था, जिसमें मैं, आपने बताया, डीडी पे आता है, उसमें मैं जज थी, डांसिंग जज थी। हाँ, बाकी मैं हिंदी सीरियल किए मैंने। अच्छा, कुंती की थी पहले। दूरदर्शन के लिए आपने कौन सा वाला किया था? नहीं, दूरदर्शन के लिए किया नहीं है, सिर्फ ये दमदमादम किया, बाकी मैंने वो। अच्छा, दमदमादम के बारे में बताइए, आपको कैसे मिला उसमें? आप जज हैं और म्यूजिकल शो है, डांसिंग शो है, तो उसमें एक दिन मुझे गीतांजलि का फोन आया, बोले जैसे जी हमारा ऐसा ऐसा शो है, उसमें जज करके आप करेंगी? तो मैंने कहा करूँगी। तो
उस तरह से मुझे वो शो मिला था। मज़ा आया शो करते बहुत मज़ा आया क्योंकि उसमें सब नए थे, बच्चे थे, छोटे थे, एक उम्र का एक ये था कि मतलब 8 साल से लेके 15 साल तक ऐसा था, तो वेरिएशन था उसमें, सब डांस वाले बहुत अच्छे थे, तो कुछ मैं अपने तरफ से जो सजेशन होता था वो देती थी, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि आजकल ये जो रियलिटी शो में जो डांसेस करते हैं ना, अमेजिंग, क्या टैलेंट है बच्चों में, बहुत अच्छा, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उन्हें, टीवी जो आज कल है, हमारे टाइम तो ना टीवी था ना कुछ था, बस स्टेज था और पिक्चर में काम करते थे, बिल्कुल, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, फिल्मों और सीरियल्स में क्या फ़र्क लगता है आपको काम करने में? बहुत फ़र्क है। सीरियल में क्या होता है, भले ही ये भी 12 घंटा होती हो शूटिंग, लेकिन सीरियल में बहुत सारे सीन एक साथ निकालते हैं, तो आपको सब रटना पड़ता है याद करके, और जैसे सीन चेंज हो जाते हैं आपको आपका मूड चेंज करना पड़ता है। वेराज फिल्मों में इतने सीन नहीं करते, कम सीन करते, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते हो, माइंड सेट रहता है कि मुझे ये करना है, इस सीन में ये करना है, तो ये थोड़ा आप ज़रा उसमें कुछ और कर सकते हो, कुछ और डाल सकते हो, लेकिन वहाँ डालने का मौका नहीं मिलता, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो, टाइम नहीं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। वो तो यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा पूछने लग जाओ कि अच्छा ये पिछला सीन क्या था, मेरा रोल क्या है, तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं कि भैया आप शूट करो, आप छोड़ दो इसको, बाद में सोचेंगे, टाइम बचाओ। लेकिन खैर मैंने तो अभी सीरियल कर रही हूँ, अभी भी मेरी एक नई सीरियल आ रही है, मिटेगी लक्ष्मण रेखा, मैंने काफ़ी पिक्चर सबसे जो ये उन दिनों की बात है उसमें भी मैंने किया है, तो पहले काफ़ी हिट सीरियल में मैंने काम किया है, तो मज़ा आता है, वहाँ भी काम करने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन फिल्मों का मज़ा कुछ और ही है। लेकिन ये बताइए कि और फिल्में मैंने दिलीप कुमार से लेके शाहरुख खान, सलमान खान, दारा सिंह तक सबके साथ काम किया है, ये मैं भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप। दिलीप साहब से मुझे याद आया कि आपका काफ़ी करीब रहें आप, हाँ, दिलीप साहब मेरे जो हस्बैंड है जयप्रकाश जी, जी उनको सायरा बानू जी राखी बांधती है, तो उनकी राखी सिस्टर है। अच्छा, तो इसलिए उनका हमारे यहाँ हमारा उनके आना जाना रहता है, और तकरीबन डेली सायरा जी का जयप्रकाश जी के साथ फ़ोन पे बात चलता है, जैसे नंदा जी के साथ हुआ करता था पहले। नंदा जी का रोज़ सुबह फ़ोन आता था 9 बजे और रात को जयप्रकाश जी फ़ोन करते थे नंदा जी, सब ठीक है, अरे नहीं है कोई तो मैं आके रहता हूँ तुम्हारे साथ, बोलती नहीं सब ठीक है, तो उसी तरह अभी सायरा जी के साथ सिलसिला है, तो बहुत घर का रिलेशन है। और उनके साथ तो आपने फिल्मों में भी काफ़ी काम किया। मैंने 2 पिक्चर की थी, धर्माधिकारी और एक पिक्चर की थी बी आर चोपड़ा जी की दास्तान। दास्तान, अच्छा ये बताइए कि निजी जिंदगी में आपको 27 साल हो गया आज आपकी शादी को, आप अपना 25th anniversary नहीं मना पाए? हाँ नहीं मना पाए क्योंकि उसी वक्त नंदा जी का देहांत हो गया, तो हमें हमारे लिए बहुत शॉकिंग थे, बिकॉज इसकी वजह यह है कि एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन पे 1 घंटा बात की हमारे साथ, जयप्रकाश जी के साथ की, मेरे साथ की, स्वस्तिक के साथ की, तब हमने ख्वाब में नहीं सोचा था कि कल सुबह शी विल बी नॉट देयर, शी विल बी नो मोर, और नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया उनके घर से, लेकिन उन्होंने नहीं किया, किसी और ने फ़ोन करके कहा कि आप यहाँ आ जाइए जल्दी से, नंदा जी सीरियस है बोला, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे थे जयप्रकाश जी को, शॉक लगे उनको कुछ हो जाए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा कि शी इज़ नो मोर, तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, और हमारी उसी वक्त 25th anniversary थी। तो हमने नहीं मनाई क्योंकि हर एनिवर्सरी में हम बाहर जाते थे, हम लोग साथ में जाते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे या घर में मनाते थे, कभी उनके घर में, कभी हमारे घर में, तो बहुत मिस किया हमने, इसलिए हमने नहीं मनाया। अच्छा एक आखिरी सवाल जिससे पहले कि हम शो ख़त्म करें, तब के डांसर्स, आजकल वैसे तो डांसर्स हैं नहीं, मतलब वो दौर ही चला गया, अब जो हीरोइंस हैं वही डांस करती हैं, वही सब कुछ करती हैं, वही आइटम करती हैं, तो तब की और अब की डांसर्स में भले वो हीरोइंस हों, आपको क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क ये है कि आज भी डांसर अच्छी है, करती है, लेकिन हमारे ज़माने में क्या होता था, डांस बाकायदा आपको दिखाई देता क्योंकि बड़े बड़े शॉट्स होते थे, आज टेक्निकली डांस होता है, धाड़ यहाँ से शॉट, यहाँ से शॉट, यहाँ से शॉट, यहाँ से, ये होता है, तो एक्चुअल अच्छी डांसर भी होना तो आपको पता नहीं चलता ये डांस अच्छा कर रही कि नहीं, कि बीच में शॉर्ट कट हो जाता है, छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं,
पहले ज़माने के जो शॉट होते थे लंबे, तो उसमें आपको पता चला कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा डांस कर रही है। अच्छा, ये सब नज़र में रखते हुए आपको आज की हीरोइंस बन से कौन सी बेस्ट डांसर लगती हैं? आज की स्टाइल भी अलग स्टाइल है, तो अपने अपने हिसाब से सारी अच्छी डांसर हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारे ज़माने में जो थी वैजयंती माला, बाद में माधुरी दीक्षित आई, करिश्मा वगैरह आई, तो आज भी आज में क्योंकि आज के जो डांसेस हैं ना ज़्यादातर दीपिका पादुकोण। हाँ, दीपिका पादुकोण अच्छा डांस करती है, और ये भी प्रियंका भी अच्छा करती है, प्रियंका चोपड़ा अच्छा करती है, तो ऐसे कुछ डांसेस है जो अच्छा करती, मूवमेंट्स अच्छा करती, ग्रेसफुल करती है, वेरी नाइस। जयश्री जी, मैंने सुना है कि आप एक दो बार शोज करने गई लेकिन बिना परफॉर्म किया वहाँ से भाग के आ गई, वो क्या किस्सा है? हाँ, वो क्या हुआ, एक पटना में शो था तो मुझे बोला गया स्टेज शो है, आप आ जाइए। मैं वहाँ गई, लेकिन जब मैं स्टेज शो के लिए गई तो पता चला मेले में शो था। ओह, अब मैं मेले में कैसे डांस करूँगी? तो मैंने बहाना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन शो था, तो उन्होंने अनाउंस किया जयश्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, कल करेगी, कल मतलब एक के बदले दो डांस करेगी। मैं वहाँ से निकली और होटल के जो ओनर थे ना, वो मुझे उनकी मिसेज वगैरह मिलने आई थी, फ़ैन थी, तो मैंने कहा देखो भैया मुझे यहाँ से भागना है, मुझे आप गाड़ी दे दीजिए। मैं एयरपोर्ट पे सीधा निकल गई अपने हेडड्रेसर के साथ, और जाके मेरा नेक्स्ट दो दिन था ना, तीसरे दिन टिकट थी, लेकिन वो मैनेजर ने मुझे फटाक से किया और मैं वहाँ से भाग गई। इसी तरह एक गाया या कोई ऐसी जगह थी, हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ मैंने देखा कि सब लोग जो थे ना, कोई गन लेके खड़ा है, कोई पिस्तौल लेके खड़ा है, कोई क्या लेके, मैंने अरे बाप रे ये तो बहुत डेंजरस है यहाँ पे। तो मैं वहाँ से निकली और रूम में गई, तो कोई पॉलिटिशियन आ गया, डरी मत डरी मत, आप रहिए, ऐसा करते दो तीन दिन बाद ये शो करते हैं। मैंने हाँ, वो जाने के बाद मैंने दो तीन दिन मैं यहाँ रुकूँगी। मैंने ड्राइवर को बोला चलो भागते हैं, बोले पुलिस को बुला, मैंने पुलिस को बुला होगा तो मालूम पड़ेगा मैं भाग रही। फिर हम लोग वहाँ से रात को निकले, झुमरी तलैया तक पहुँचे, वहाँ पे पेट्रोल लेना था तो रुके क्योंकि पेट्रोल खुला नहीं था, पेट्रोल लिया, फिर वहाँ से भाग के एयरपोर्ट गए, फिर यहाँ आ गए। ऐसे कई बार। अच्छा, अपनी लेटेस्ट फिल्म के बारे में बताइए। हाँ, अभी मेरी एक पिक्चर आ रही है, मुझे भी ये दुनिया देखनी है, और ये भ्रूण हत्या पे है। मैं उसमें माँ का रोल कर रही हूँ, लेकिन पॉजिटिव रोल है, तो जो बच्चों को, लड़की को पेट में मारते उसके ऊपर है, और ये पिक्चर अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए भी उन्होंने भेजी है वहाँ पे। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि लोग देखें क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट। कौन डायरेक्ट कर रहे हैं? सत्य प्रकाश मंगतानी उन्हीं की पिक्चर है, वो भी डायरेक्टर है। तो जयश्री जी, अब टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम और बातें नहीं कर पाएंगे आपसे, लेकिन हम चाहेंगे कि जाने से पहले आप एक तो आपके सामने जो डायरी रखी है उसे उठाइए, उसमें अपना ऑटोग्राफ दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो लाइनें लिख दीजिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप एक अपने पसंदीदा गाने पर थोड़ा सा परफॉर्म कर दीजिए। अच्छा, ओके। नाच मेरी जान फटाफट फट, बात मेरी मान फटाफट, ये जमाना ये तरह न नया फटाफट, ये जमाना ये तरह न नया फटाफट।